Thank you.
भाई ऐसा कर लो कहाँ ले जाओ मुझे कहाँ भेज नहीं 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 कहाँ भेज नहीं जाओ अरे अरे कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक हो जाएगा संजू भाई तू अगर यहाँ से चलेगा तो मारा ये भी एक हकीकत है कि जब मुसलमानों की नाइंसाफी की बात होती है तो माइक बंद होता है। ये हमेशा होता है मगर इंशाअल्लाह ताला एक वक्त उत्तर प्रदेश में करीब जरूर आएगा जब हमारी आवाजों को माइक अल्लाह ताला आपको लाना पड़ेगा आपके दिलों में जो जज्बात छिपे हुए हैं उस जज्बात को आपको अपनी नीचे कर ले फोन को करना पड़ेगा और अपने ओट से आपको अपनी आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों मैं आपसे अर्ज कर रहा था मुजफ्फरनगर के फसादात के बारे में। हो सकता है कि कोई यहाँ पर खड़े होकर ये सवाल असदुद्दीन अवैसी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा में करीब 70 मुसलमान एमएलए जीत कर आए थे। मैं उन लोगों से ये सवाल मेरा होगा कि जब 70 के करीब एमएलए मुसलमान जीत कर आए थे उस विधानसभा में थे इतनी ऊपर दूसरे ये मुजफ्फरनगर का कांड कैसे हुआ पीछे आ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर 70 एमएलए मुजफ्फरनगर के फसादात को रोक नहीं पाए और इंसाफ नहीं दिला पाए तो फिर आप इसलिए हम इंसाफ नहीं कर पाए ना उस फसाद को रोक पाए क्योंकि जितने मुसलमान एमएलए जीत कर आए थे उनकी पार्टियों ने उनको कमजोर बनाकर रख दिया उनकी जबानों पर ताला लगा दिया और उनसे कहा कि खबरदार तुम अपनी आवाज नहीं उठाओगे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम आपसे वादा कर रही है अगर आप ये वोट अल्लाह के फजल करम से मजलिस का उम्मीदवार विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा तो उसको हम पूरी इजाजत देंगे कि हर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए चाहे मुसलमान पर हो या हमारे हिंदू भाई पर हो या दलित पर हो या बैकवर्ड क्लास पर हो। मजलिस नाइंसाफी को पसंद नहीं करती मजलिस नाइंसाफी से नफरत करती है और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों समाजवादी की सरकार थी मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ इतनी बड़ी तादाद में पार्टीशन के बाद अगर लोग बेघर हुए तो करीब 40,000 और 50,000 के करीब गरीब मुसलमानों ने अपने गांव को अपने घर को अपनी जमीन को अपनी लहलाती खेतों को अपनी मस्जिदों की वीरानी को कबूल करना पड़ा। आज मैं आपसे वादा करने आया हूं कि आपको जमहूरी तरीके से ताकि अब जब आप और हमने अपनी आंखों से उस मुजफ्फरनगर के फसाद को देखा अगर हमने ये नहीं चाहते कि इंशाल्लाह दोबारा इस तरह की फसाद आ गया तो अगर इसको रोकना चाहती है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ना सिर्फ मुजफ्फरनगर की जनता से बल्कि उत्तर प्रदेश
दिनों से कि आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा, आपको अपनी क़यादत को बनाना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर के मेरे गयूर भाई और बहनों, मैं मुजफ्फरनगर के मेरे साथियों, कब तक आप समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, बीएसपी के लिए, आरएलडी के लिए आप कब तक दरी बिछाते रहेंगे? आप दरी बिछाते रहे और उनको उनके सरों पर आप अपना ताज रखते रहे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अब दरी बिछाने का वक्त नहीं है, अब आपको ताज पर बैठने का वक्त है, अपने सर पर ताज रखने का। आपके लिए जिंदगी और मौत का चुनाव है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, बताओ आखिर कब तक आप वोट डालते रहेंगे इन तमाम पार्टी के नेताओं को? आज वक्त आया है कि आप एक करवट लें, एक बार फैसला ले लें कि अगली बार हम अपनी पार्टी मजलिस को वोट देंगे और अपनी सियासी आवाज को, अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश को अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि भारत का किसी भी हिस्सा हो, जो मेरा और आपका मुल्क है, वतन अजीज में गरीब मुसलमानों की एक सियासी आवाज होनी चाहिए। भारत में हर समाज की एक सियासी आवाज है। अगर किसी की सियासी आवाज नहीं है तो उस कम्युनिटी का, उस समाज का नाम मुसलमान है। आपको डराया जाता है, आपको डराया जाता है कि मुसलमान अगर नेता बनेगा तो फिरका परस्ती में इजाफा होगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यही मुजफ्फरनगर में क्या तुमने कभी फिरका परस्त ताकतों का या आरएसएस का, तुमने बीजेपी का कभी आपने साथ किया? हरगिज नहीं किया। आपने कभी बीजेपी का, आरएसएस का साथ नहीं दिया। आपने उन तमाम पार्टी को वोट दिया जो आपके बीच में आकर कहते थे कि हमको नेता बनाओ, हमको विधायक बनाओ, हमको वोट दो, ताकि हम बीजेपी और आरएसएस को रोक सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या मिला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को? क्या मिला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को? मीरठ का फसाद हुआ, तुमसे कहा गया मीरठ भूल जाओ, तो हाशिमपुरा हुआ, हाशिमपुरा कहा गया कि हाशिमपुरा भूल जाओ, तो मलियाना हुआ, फिर कहा गया मलियाना भूल जाओ, तो मुजफ्फरनगर हो गया। अब आकर कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की बात मत करो। मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो ऐसे लोग मुझे फोन करे और कहे कि ओवैसी साहब, आप मुजफ्फरनगर को जा रहे हैं, अपनी तकरीर में मुजफ्फरनगर के फसाद का जिक्र मत करिए। मैंने कहा क्या जिक्र करूं, तो कहा कि आप जो है ना भड़काऊ भाषण मत दीजिए। मैं उनसे पूछता हूं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही इन लोगों का, यही इन लोगों की सोच है जो गरीब मुसलमानों का सौदा करते हैं दिल्ली में बैठकर या लखनऊ में बैठकर। अरे नाइंसाफी का जिक्र करना चाहिए। मैं मुजफ्फरनगर का जिक्र, मैं मलियाना का जिक्र, हाशिमपुरा का जिक्र, जब आप नाइंसाफियों को भूल जाएंगे तो दोबारा नाइंसाफी होती है। जिस दिन आप नाइंसाफियों को याद रखेंगे कि आप जिस हम पर यहाँ पर जख्म आया था, इस जख्म को याद रखना पड़ेगा। मैं जख्मों को खोलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको
कि यही मुजफ्फरनगर में जब CAA NRC का प्रोटेस्ट हुआ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको सलाम करता हूं कि जिस बेबाकी और बहादुरी के साथ आपने CAA और NRC के कानून के खिलाफ एहतजाज किया, जब पार्लियामेंट में, जब भारत की पार्लियामेंट में, जब भारत की पार्लियामेंट में CAA और NRC का कानून पार्लियामेंट में आया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी भी है, समाजवादी भी है, BSP भी है, ममता बनर्जी की पार्टी भी है, सब पार्टियां हैं जो अपने आप को नाम निहाद सेकुलर कहती हैं। BJP ने कानून लाया, कौन था पार्लियामेंट में खड़े होकर जिसने पूरे देश के सामने बता दिया कि कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत की जनता को कि हम नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझसे कई दूसरी सियासी पार्टियों के कायदीन ने कहा कि ओवैसी तुमको क्या जरूरत थी कानून को फाड़ने की, तो मैंने कहा मेरी तकरीर को तुमने पार्लियामेंट में नहीं सुना, मैंने वो काम किया जो गांधी ने किया था। गांधी ने उस वक्त के सफेद फाम हुकूमत के गलत कानून को फाड़ दिया था, मैं भी इस कानून को फाड़ता हूं क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ है, ये भारत के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पार्लियामेंट में सिर्फ मजलिस के 2 MP हैं, मगर अल्लाह के फजल व करम से आपकी दुआओं की वजह से हम पार्लियामेंट के दोनों दीवार को हिला कर रख देते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में मजलिस के MLA कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगर उत्तर प्रदेश में आपकी क़यादत बनेगी, तो आप खुद सोचो कि कल कोई नाइंसाफी करने से पहले सोचेगा कि नहीं, अब इनका नेता है, अब इनकी पार्टी है, इनकी एक ताकत है, इनकी एक शनाख्त है, इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, इनसे नहीं, यही तो हकीकत है ना, यही तो हकीकत है। भारत की सियासत की हकीकत यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, यह कल हकीकत है। जब हम इसको बयान करते हैं तो हमारे मुखालिफीन कहते हैं कि तुम जज्बाती तकारीर करते हो, मैं जज्बाती तकारीर नहीं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, ताकि जब आप यहां से उठ कर जाएंगे तो अपने दिलो दिमाग में सोच और फिक्र को लेकर जाए, ताकि आपके अपने फैसलों में तब्दीली पैदा हो। और उसकी मिसाल क्या है, क्या 2019 के लोकसभा के चुनाव में ये सच नहीं है कि 90% हिंदू भाई जाटों ने BJP को वोट दिया, क्या नहीं दिया जाटों ने BJP को वोट, आपने दिया BJP को, तो कैसे जीत गया BJP? वो जो अजीत सिंह को हरा दिया प्रोग्राम को, चौधरी चरण सिंह के बेटे को, जिन्होंने अपने घोड़ों की आदत को छोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तुम कब तक इन आदतों में पड़ते रहोगे? एक तब्दीली पैदा करो खुदा के, एक बदलाव लगाओ, अपनी पार्टी को वोट देकर देखो एक मरतबा सबकी तब्दीली कैसी होती है। जब जाटों ने अजीत सिंह को छोड़ दिया, चौधरी चरण सिंह की पार्टी को छोड़ दिया, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान उस रिवायती सियासत को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जहां पर बात CAA NRC के कानून की आई, तो मैं यहां पर हाजी हसन साहब जो मुजफ्फरनगर कालापार एरिया के रहने वाले, मोबाइल चलने, जिनके घर में घुसकर योगी की हजरत पुलिस ने उनके घर में घुसकर उनके घर को लूटा, 5 लाख रुपए लूट लिए, वो 5 लाख जो हाजी हसन साहब अपनी पोती की शादी के लिए रखे थे, और फिर उसके बाद हम पे नारे लगाए गए कि पाकिस्तान या कब्रिस्तान, और हर तरफ तमाशा ये है कि उनके बेटे शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, फिर एक 26 साल का
नूर महमूद को जो इसको गोली लगी, बगल में इसको मुजफ्फरनगर में दफन नहीं किया गया बल्कि कहा गया कि मीरठ में इसको दफन। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तमाम चीजें आपके सामने है। हम कब तक अपना खून बहाते रहेंगे? हम कब तक अपने ख्वाबों को चुपना चूर करते रहेंगे? हम कब तक अपने दिल की ख्वाहिश को इन तमाम पार्टी के सियासी नेताओं के कदमों में लाकर अपने ख्वाबों को बिछा देंगे? याद रखो, आपके ख्वाब आप पूरा करेंगे, आपकी मंजिल आप तय करेंगे, आपके फैसले आप करेंगे। फैसले कर सकते हो, अल्लाह ने तुमको ताकत दी है, अल्लाह ने तुमको उनसे ज्यादा समझ दी है, अल्लाह ने तुमको उनसे ज्यादा दूरंदेशी दी। सिर्फ आपको एतमाद की जरूरत है। और लोग कहेंगे कि ओवैसी आकर तुमसे कह रहा है कि खतरे मोल लो। अरे मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि खतरे मोल लो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हमारी जिंदगी का फैसला और मौत का फैसला अल्लाह कर चुका है। हमको जिद्दोजहद करना है, हमको मेहनत करना है। आपके वोट की क्या अहमियत है बताइए? आपके वोट की अहमियत क्या है बताइए? आपने तो इन तमाम सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, मगर बीजेपी जीतती जा रही। हम भी चाह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी की सरकार ना बने, दोबारा योगी मुख्यमंत्री। मगर ये लोग आकर क्या कहेंगे कि मुजफ्फरनगर में अगर वोट मुसलमानों का डिवाइड हो गया तो बीजेपी जीत जाएगी, ये बोलते हैं ना। अगर मुसलमान भी देखो आपके कान में आकर जैसा शैतान वसवसे डालता है, इस तरह के शैतान के एजेंट दुनिया में बहुत है। ये आकर कहेंगे कि देखो अगर तुम वोट नहीं डालोगे तो बीजेपी को फायदा होगा, हम उस हजरत इबलीस की औलाद से पूछना चाहते हैं। हम तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं, उनसे पूछना चाह रहे हैं क्या 2019 के चुनाव में आपने बीजेपी को वोट दिया? ये आपने क्या 14 में आपने दिया था? क्या आपने 17 के विधानसभा के चुनाव में दिया था? तो 14, 17, 19 आपने 3 चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो फिर कैसे बीजेपी जीत गई? कैसे जीती बीजेपी? मोदी के एमपी जीत गए, 17 के विधानसभा के चुनाव आए, हम तो नहीं थे यहाँ पर, बीजेपी जीत गई। 19 में मैं एक सीट पर नहीं रहा, मजलिस नहीं लड़ी, बीजेपी जीत गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बार आप गलती नहीं करेंगे, इस बार आप ये गलती हरगिज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। यकीनन बीजेपी को रोकेंगे, मगर बीजेपी को रोकने का मतलब ये नहीं है कि मैं इनकी गुलामी करता रहूं। बीजेपी को हराएंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम खबर में उतारोगे, मेरे घर को खंडहर बना दोगे, मेरे नौजवान को गोली मार दोगे, या जो बच जाएगा उसको जेल में डाल दोगे, मेरे बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, इंटर कॉलेज नहीं मिलेगा। मगर ये लोग आकर कहेंगे और हमको दो नेता हम बनेंगे, वोट भी आपका होगा, नेता भी आपका होगा, रोशन मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह आपका होगा। और जो लोग हमसे कहते हैं, जो लोग आकर मजलिस पर तनकीद करते हैं कि मजलिस एक फिरका परस्त पार्टी है, मजलिस जीतेगी तो फिरका परस्ती बढ़ेगी, अरे कौन सी तुम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये जो मुसलमानों से नफरत है किस हद तक पहुंच गई, इसकी एक मिसाल देता हूं। मुसलमानों से फिरका परस्ती की हद तक आसमानों तक छू रही है, एक मिसाल देकर चले जाऊंगा। पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ, मैं तो ये कहा था मोदी जी से कि इस मैच मत खेलो आप, मैं तो कहा था कि मैच इसलिए मत खेलो क्योंकि
पाकिस्तान से टेररिस्ट कश्मीर पे आके वहां के सिविलियन को गोली मार रहे, हमारे 10 सिपाहियों को मार, मगर मैच हुआ, खेल है। 11 खिलाड़ी क्रिकेट मैच में खेलते हैं एक तरफ एक टीम में, बदकिस्मती से भारत हार गया, तो किस पर इल्जाम लगाया शिकस्त का? तो क्या शमी एक ही प्लेयर था 11 में? 11 की टीम थी, मगर फिरका परस्ती बताने के लिए आपसे कह रहा हूं कि टीम हारी हमको तकलीफ है, मगर शमी पर जिम्मेदारी डाल कि शमी की वजह से हार गए, शमी की वजह से हारते। ये नहीं, ये यही तो फिरका परस्ती है, यही तो मुसलमानों से नफरत है, इसको आपको समझने की जरूरत है। मीडिया के लोग हमसे आकर पूछे, हमने कहा लो हमारा बयान, हम कहते हैं तुमसे सुन लो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मिसाल कि क्रिकेट के मैच में भी, खेल के मैदान में भी भारत की सियासत, भारत का माहौल इस तरह कर दिया गया कि हर चीज के लिए जिम्मेदार मुसलमान को बना दिया जाता है। कौन उठाएगा आवाज फिर? और लोग आकर कहेंगे, माहौल को खत्म कैसे करेंगे? भीख मांगकर माहौल खत्म करेंगे? रोकर माहौल को खत्म करेंगे? नहीं। जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप सियासत में हिस्सा लें, अपने और शक में उम्मीदवार को कामयाब करें, और अगर कोई आपसे बदतमीजी करना चाहता है तो आप कहें कि मजलिस का ये कैंडिडेट हमारे सामने, तुम इनसे बात करवा। हैरत की बात की, अफसोस की बात की है कि यहां पर शमी पर इल्जाम लगा दिया मुसलमानों से नफरत करने वालों ने, तो हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी हो गई। अरे अहमद, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना है? दीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है? मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता, जो लोग गए उनको पड़ता। जब हम इन फिरका परस्तों को कह रहे हैं तो उनको भी कहना पड़ेगा, पड़ोस के जो मिनिस्टर ने बयान दिया, अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी, मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है? अरे मिनिस्टर, पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, हम घर में तय कर लेंगे, हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। कहेंगे प्यारे, शमी के जैसा बॉलर फिर कभी नहीं मिलेगा वहां, भाइयों में नफरत फैलाने लगे। देखो 11 की टीम में एक से हार गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको यह भी बताना जरूरी समझता हूं कि आप त्रिपुरा में, भारत का एक स्टेट है त्रिपुरा, वहां पर पिछले 5 दिन से 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया, 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया, बाज मसाजिद को जला भी दिया गया। ये कहां गए मोदी जी, कहां गए अमित शाह, कहां गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम त्रिपुरा की सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि रोकिए त्रिपुरा में जो ये फिरका परस्त विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जो त्रिपुरा की मस्जिदों को नुकसान कर रहे हैं, रोकिए, ये तमाम के तमाम आपके लोग हैं, आप अगर एक मिनट में इनको रोक सकते हैं, मगर 15 मसाजिद को नुकसान पहुंचा दिया गया, ये बीजेपी का असली चेहरा है, ये नरेंद्र मोदी के झूठे वादे हैं।
कि गुरुपुरा में मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वीडियोस है सोशल मीडिया पर, मस्जिद जल रही है, आईने तोड़ दिए गए, कुरान के तारों की बेहरमती कर दी गई। और क्या कर रही है बीजेपी की सरकार, खामोश बैठी हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मजम्मत करता हूं जो त्रिपुरा में आज हो रहा है, और बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो फौरन त्रिपुरा के बारे में एक मीटिंग ले। मोदी जी कम से कम अगर बोल नहीं सकते तो ट्वीट तो कर दो, ट्वीट तो कर दो कि त्रिपुरा में आज जो नंगा नाच हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी अहम बात जो मैं आपसे करना बहुत जरूरी समझता हूँ वो ये है कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुजफ्फरनगर में डेवलपमेंट नाम का कोई काम नहीं हुआ। लखनऊ में बैठकर बाबा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाबा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बाबा ने परसों बयान दिया कि हम कोई मजहब तो नहीं करते, हम कोई स्वच्छता नहीं करते, लंबी लंबी छोड़ दिए बाबा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर में क्या ये बात सच नहीं है कि मुजफ्फरनगर में जहां पर 40% के करीब मुसलमानों की आबादी है ना, यहां पर 40% मुसलमानों की आबादी के लिए आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहां पर 40% मुसलमान है वहां पर 4 है। जौनपुर में 10% है वहां पर 22 है। अब आप खुद फैसला करिए, कोई उठाता है इन बातों को कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर की जरूरत है, मगर इस पर कोई बात ही नहीं होती। और फिर तीसरी बात जो इसमें अहम बात की है कि मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ और यही योगी सरकार ने 70 केसेस को वापस ले लिया। कितने? 70 से ज्यादा केसेस को इनके बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ केसेस को वापस ले लिया। इनका एक एमएलए है विक्रम सैनी कठोली का, बीजेपी का एमएलए, जिसको कोर्ट ने बरी कर दिया। किस बुनियाद पर कि इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है? क्या सरकार का काम नहीं है कि उसके खिलाफ अपील की जाए? अपील नहीं होनी चाहिए, अपील होनी चाहिए, मगर बीजेपी की सरकार अपील नहीं करती, केसेस को वापस ले लिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर मैं आपको ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि आप देखते हैं कि आप मोदी जी आए कल या 2 दिन पहले आकर उत्तर प्रदेश में 6 या 7 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया, मगर हम मोदी जी से योगी से पूछना चाहते हैं, सत्ता में तो आप है ना, 5 साल में आपने क्या किया? आपको जानकर हैरत होगी कि आयुष्मान भारत का जो बजट है वो कितना इस्तेमाल हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ आयुष्मान भारत बजट का, उसका 10% भी इससे इस्तेमाल नहीं होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफियों के खात्मे के लिए, आपकी एक आजाद सियासी आवाज के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत हमको और आपको नहीं है, हमको सिर्फ अल्लाह से डरना है, हमको अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करना है, हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी निस्बतों को और अपने गुलामी के रिश्तों को मजबूत करना है। याद रखिए, अगर आप डर डर कर इसी तरह अपने वोट का इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर क्या हासिल होगा बताइए, क्या हासिल होगा आपको? और अगर कोई ये कह रहा है, अगर कोई ये कह रहा है कि एनपीआर नहीं होगा, झूठ कह रहा है आपसे। आज हिंदू अखबार में भारत की एक मायनाल जर्नलिस्ट है विजेता सिंह की रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार सेंसस के साथ एनआरसी और एनपीआर करेगी, और वो क्या है? वो खतरा है तमाम भारत के मुसलमान और दलितों के लिए। सेंसस के साथ एनपीआर होगा, एनआरसी होगा, और उसमें सवालात पूछे जाएंगे कि बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ पैदा हुए थे,
बताओ उनका बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, बताओ तुम्हारी मादरी जबान क्या है, ये क्यों पूछा जा रहा है आपको मालूम? जब लिस्ट बन जाएगी तो तहसील ऑफिस में एक लिस्ट लगाई जाएगी कि देखो इसमें असदुद्दीन अवैसी का नाम है, और वो तहसीलदार के पास कोई भी जाकर ये ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि असदुद्दीन अवैसी भारत का नागरिक नहीं है, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं इसकी शहरियत पर, तो मुझे अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। ये काम बीजेपी करने जा रही है, इसकी आवाज कोई नहीं उठाएगा, और लोग पूछेंगे तुमने क्या किया तेलंगाना में। हमारे पास तेलंगाना रियासत में 7 एमएलए मजलिस के, हमने अपने चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री से बैठ कर कहा, पूरे तमाम मुसलमानों की तंजीमों को लेकर गए, जिसमें जमीयतुल उलमा भी शामिल, जिसमें जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, अहले हदीस, अहले सुन्नत सबको लेकर गए, शिया भी थे, सबको ले जाकर हमने चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप सेंसस करेंगे, एनपीआर नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने तय खून दिया, तुमने कहा तय खून की कोई अहमियत नहीं है, असेंबली में खड़े होकर दो, तो असेंबली में रेजोल्यूशन हमने पास कराया, करारदाद को मंजूर करवाया कि तेलंगाना में सेंसस होगा, एनपीआर नहीं होगा। ये आपकी ताकत होती है, लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास 7 एमएलए हैं, तुम क्या कर सकते, हमको मंत्री संतरी बनने का शौक नहीं है, मुझे मंत्री बनने का सबको वोट डाला, कोई संतरी बना, कोई विधायक बना, कोई मंत्री बना, कोई ऊंचा चला गया, मगर इतना ऊंचा गया कि जिसने उसको ऊंचाई पर पहुंचाया उनको ही भूल गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये मोदी सरकार सेंसस के साथ ये हरकत करना चाहती है? हम मोदी सरकार को बताना चाह रहे हैं कि अगर एनपीआर होगा मोदी जी, तो खुदा की कसम असदुद्दीन अवैसी मुजफ्फरनगर आकर एहतजाज करेगा, हम खामोश नहीं बैठेंगे। बताइए किसके पास भारत के बर्थ सर्टिफिकेट है? क्या आपके माँ बाप के पास बर्थ सर्टिफिकेट निकलेगा? क्या निकलेगा बर्थ सर्टिफिकेट? यूपी का बच्चा है जो इंदौर गया, इंदौर मध्य प्रदेश में गया, मध्य उसका नाम तस्लीम था, चूड़िया बेच रहा था, तो उसको मारा गया कि तू और हरकत कर रहा है, तो उसको जेल में क्यों डाल दिया गया मालूम आपको? अब तक 3 हफ्ते से तस्लीम जेल में है, कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ उसके आधार कार्ड में एक नाम की गलती है, तो कहा गया तेरा आधार कार्ड झूठा है, और तस्लीम पिछले 3 हफ्ते से मध्य प्रदेश की जेल में है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो ये आने वाले असेंबली के चुनाव हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, अगर आप अपनी आवाज को मजबूत करेंगे, तो कोई लड़ने वाला होगा आपके लिए। आपने कभी इस नेता को चुना तो वो कभी बीएसपी में थे, कभी दाढ़ी थी तो दाढ़ी कटाकर सपा में चले गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं नाम नहीं ले रहा, जानते आप जानते हमारी दाढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी, थोड़ी काली थी अब वाइट हो रही है, और इसके जिम्मेदार हमारे घर वाले हैं, भूख नहीं है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दल बदल की सियासत से काम नहीं चलने वाला है, कि अगर उनको सिर्फ अपनी पड़ी है मगर कौम के बारे में कौन सोचेगा, मिल्लत के बारे में कौन सोचेगा, लीडरशिप कौन बनाएगा, कौन आवाज बनेगा मजलूमों की? हम मजलूम हैं, वो जालिम बैठे हैं इख्तदार की कुर्सियों पर, हमको अपनी मजलूमियत को समझते हुए जालिम के जुल्म को रोकना पड़ेगा, अगर नहीं रोकेंगे तो नतीजा देख रहे तो की बिजली की कीमतों में इजाफा करके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसाइल हमारे हैं यहाँ, इन मसाइल पर कौन आवाज उठाएगा? और जहां तक बीजेपी का सवाल है, लोग बहुत सी बातें करते हैं कि आप बीजेपी के बारे में नहीं बोलते, अरे जितना हम मोदी के बारे में बोलते शायद ही कोई बोलता। क्या
पार्लियामेंट में खड़े होकर हमने कहा था कि मोदी जी आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। किसने कहा था? मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हमने पार्लियामेंट में जाकर मोदी जी के गले मिल लिए। कौन गले मिला था? कि हमने अपनी बेटी की शादी में मोदी को बुलाया था। किसने बुलाया था? आप सब करेंगे, आप शादी में बुलाएंगे, आप बोलेंगे तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम गले मिल जाएंगे। और जब ओएसी आकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहेगा कि नेता बनो, लीडर बनो, कायद बनो, तो बोलेंगे तुम्हारे वोट काट में आए हैं, तुम्हारा दुश्मन है, हम तुमको वोट डालते रहेंगे, हम तुम्हारे लिए दरी बिछाएंगे, तुम्हारे सर पर ताज रखेंगे और हम भीख का कासा लेकर अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांगेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको जमहूरियत हक देती है कि हम अपने मसाइल को हल करें। आप देखिए तेलंगाना में हमने गवर्नमेंट पर दबाव डालकर वहां पर तेलंगाना में 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां बगैर फीस दिए गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ती है, क्लास 6 से क्लास 12वीं तक, बेहतरीन स्कूल है। क्या इस तरह का काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा सकता? क्या आपको बच्चों को, अपने बच्चे और बच्चों को पढ़ाने का शौक नहीं है? हर मुसलमान को है मगर पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, हकीकत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर मोदी की हुकूमत है, कितनों के पास मोटरसाइकिल है? हाथ उठाओ। कितनों के पास पेट्रोल की गाड़ी है? आप जब पेट्रोल स्टेशन जाते तो 104 107 रुपया पर लीटर दलाते हैं ना। और जब दलाते हैं, दलाकर आप पैसे देने जाते हैं, सामने पोस्टर पर मोदी जी नजर आते हैं, वो देश के इन मोटरसाइकिल चलाने वालों को पैगाम दे रहे हैं कि बेटा लो पेट्रोल और मैं तेरा खून चूस रहा हूं। 107 रुपये मोदी जी, क्या आपने कमाल कर दिया, वाह वाह। और फिर पेट्रोल 107 104 रुपये में हो गया तो यूपी का एक निराला मिनिस्टर है जो बोला कि पेट्रोल दलाता ही नहीं है कोई, अजीब आदमी है। अरे कह रहा है कि पेट्रोल दलाता ही नहीं है। अच्छा एक और इनका बहुत अकलमंद आदमी है जो कहा कि मोदी जी ने कोविड का वैक्सीन लगाया तो उसमें पैसे चले गए। मेरे भाई आप थम्स अप हो सकते हैं, वैसी थम्स अप नहीं। हम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं। भारत सरकार ने कोविड के वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए मुख्तसस किए थे बजट में, तो पेट्रोल क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्या मोदी जी आपको गरीबों से मोहब्बत नहीं है? आज पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तरकारी की कीमतों में इजाफा हो चुका है। हमारी माँ और बहने आप बताओ, तरकारी में इजाफा हुआ नहीं हुआ? कितनी कीमत बढ़ चुकी है तरकारी की, खाने को खाना नहीं है, हम कुछ भी नहीं खा सकते, गरीब भारत का भूखा मर रहा है। मगर मोदी जी और बीजेपी आ रहे हंस के रही है कि गाय का गोश्त की बात करो, मॉब लिंचिंग की बात करो, भड़काओ, दुश्मनी पैदा करो, क्रिकेट मैच है तो भी सभी को ब्लेम कर दो। और मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हम पर इल्जाम लगता है कि हम ही जज्बाती तकारीर करते हैं, मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, आप जानते हैं मौला कलीम सिद्दीकी को? जानते हैं मौला कलीम सिद्दीकी को? भाई ये सपा वाले क्यों नहीं बोलते उनके बारे में? क्यों नहीं बोलते समाजवादी वाले? पीएसपी क्यों नहीं बोलती? आरएलडी क्यों नहीं बोलती? कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? इसलिए नहीं बोलते, जाकर पूछो उनसे, इनके नेताओं से पूछो, बोलो ना मौला कलीम सिद्दीकी के बारे में, तो कहेंगे अगर कलीम सिद्दीकी के बारे में बोला जाएगा तो योगी और मोदी नाराज हो जाएंगे, हमको हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। मौला कलीम सिद्दीकी को एक झूठे केस में गिरफ्तार किया गया, मौला कलीम सिद्दीकी और उनके साथियों पर जुल्म किया जा रहा है,
और इसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने आवाज उठाई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखिए कि हर चीज मैं आपके सामने खुलकर बयान कर रहा हूं ताकि आप एक पैगाम लेकर यहां से उठे, ताकि आप आने वाले विधानसभा में मजलिस के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि 14 में, 2014 में, 2017 में, 2019 में आपने इंडान निहाल सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, मगर ये बीजेपी को रोकने से नाकाम साबित हुए। मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे कौम और मिल्लत के गयूर नौजवानों, इस बार एक मरतबा मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करो, मजलिस का साथ दो। याद रखो, अगर आज समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस, आरएलडी में अगर मुसलमानों की तरफ कोई देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं आपको मालूम? अगर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी यूपी को नहीं आता तो ये मुसलमानों की तरफ देखते भी नहीं। एक एमपी है साबिका, इनका भी नाम लेना नहीं चाहता हूं, वो अपने फेसबुक पर मजलिस की तारीफ लिखे और ओवैसी की तारीफ लिखे। हमारे जिम्मेदारों ने उनसे रابطہ किया और बोला कि साहब आपने बड़ी तारीफ की, तो कहा कि तहज्जुद में उठा था, दिल में तकलीफ हो रही थी तो मैंने लिख दिया। हमारे लोग खुश हो गए, मैं मुस्कुरा रहा था, मेरा ठीक है। दो दिन के बाद मालूम हुआ कि अखिलेश यादव के बगल में खड़े होकर फोटो ले रहे हैं। हमारी तारीफ लिखेंगे तो अखिलेश बोलेगा आजा मेरे पास। मजलिस के डर से बुला रहे तो मालूम हो गया कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने मजलिस अपना घर बना चुकी है, एक मुकाम पैदा कर चुकी है। अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, आरएलडी हो, तुम नेताओं को ले रहे हो, मैं जनता को अपने साथ लेके जा रहा हूं। जनता के बगैर कोई नेता नहीं है, ठेंगा रहता है। जनता है तो नेता है, आवाम है तो कायद है, आवाम कायद तो बनाती है, जनता नेता को बनाती है। आज उत्तर प्रदेश की मुसलमान जनता इस बात को तय कर चुकी है कि हम अपने नए नेता को बनाएंगे, अपनी पार्टी को मजबूत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है दोबारा कि मजलिस को मजबूत करिए, हर बूथ पर अपनी पार्टी को मजबूत करिए। अगर मैं आप तक नहीं पहुंच सका तो मुझे माफ करिए, मगर आपसे एक वादा कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं मुजफ्फरनगर के गयूर मुसलमानों के दरमियान में खड़े होकर जिन्होंने 8 साल पहले जिन पर मसायब और मुश्किलात के तूफानों से गुजरना पड़ा, जिनको खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा, मैं आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का आपको वादा कर रहा हूं, इलेक्शन जितने मेरी जिंदगी में आएंगे मैं आता रहूंगा उत्तर प्रदेश को इंशाल्लाह। मैं सिर्फ एक इलेक्शन के लिए नहीं आया हूं, और अल्लाह मेरी नीयत को जानता है, रब्बे करीम मेरे दिल का हाल जानता है। मेरे दिल की ख्वाहिश सिर्फ यही है कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं उस वक्त तक उस वक्त को कीमती समझकर भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है। और कैसे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी? जब मुसलमान अपना नेता बनाएगा, जब मुसलमान अपनी पार्टी को मजबूत बनाएगा, तब जमहूरियत मजबूत होगी। अब जमहूरियत मजबूत नहीं है, अब जमहूरियत मजबूत नहीं है। हम तो इन लोगों को कामयाब करते हैं जो अपने जाती मफाद के लिए आप लोगों का सौदा कर लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आपकी जमात है, आपकी आवाज है, इसको मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा आऊंगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।